हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून की, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या मैं कहूँ पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो महिलाएं जिनके साथ एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस होता है बाय देयर मेल पार्टनर्स, बाय देयर हस्बैंड और कोई भी जो मेल मेंबर है फैमिली का, उनकी उन महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट 2005 में लाया गया। अब यहाँ पे जो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें जो आजकल देखने को मिल रही हैं वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का या फिर जो 498A है प्रोविजन IPC में, उसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। नो डाउट उसका मिसयूज़ हो भी रहा है, बट जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा फोकस उन महिलाओं पे है जो एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, जो एक्चुअल में जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके लिए क्या ये एक्ट कहता है, किस तरह की रेमेडीज़ उनको, किस तरह की हेल्प उनको इस कानून के द्वारा मिल सकती है, किस तरह का जो है कहाँ पर उनको जाके शिकायत दर्ज करनी है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वाइफ और फीमेल लिव इन पार्टनर फ्रॉम वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड और मेल लिव इन पार्टनर और हिज रिलेटिव्स। तो सिर्फ वाइफ ही इंक्लूड नहीं है इसमें, लिव इन पार्टनर जो है उनके पार्टनर द्वारा, जो मेल पार्टनर हैं उनके द्वारा भी अगर किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस उस लिव इन पार्टनर को हो रही है तो वो भी इस एक्ट में कवर है। दूसरी मैं एक चीज़ बता दूं कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द प्रोटेक्शन टू वुमेन हु आर सिस्टर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सिस्टर और मदर। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या इस एक्ट में सिर्फ वाइफ्स ही इंक्लूडेड हैं, तो ऐसा नहीं है। इस एक्ट में वाइफ्स के साथ साथ लिव इन पार्टनर भी के लिव इन पार्टनर का जो रिलेशन है वो भी इसके प्रिव्यू में आता है। देन सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, कोई भी फीमेल जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है एक मेल मेंबर के साथ और उस मेल मेंबर द्वारा उस महिला पर जो है वो घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस ही माना जाएगा और उस महिला के पास डोमेस्टिक वायलेंस में ये अधिकार है कि वो जाके शिकायत उस मेल मेंबर के अगेंस्ट जो है वो कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द एक्ट इंक्लूड एक्चुअल अब्यूज़ और थ्रेट ऑफ अब्यूज़, वेदर फिजिकल, सेक्शुअल, वर्बल, इकोनॉमिक और इमोशनल। अब देखिए, फिजिकल अब्यूज़ यूजली क्या होता है कि वो सबको दिखता है। ऑलमोस्ट आप मारेंगे किसी को, आप हाथ उठा रहे हैं किसी पे, तो वो फिजिकल वायलेंस सबको दिखता है, फिजिकल अब्यूज़ सबको दिखता है। लेकिन क्योंकि ये एक्ट जो है ये एक अब्यूज़ की डेफिनेशन को एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव देता है, इस एक्ट में अब्यूज़ सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ ही इंक्लूड नहीं है। इस एक्ट में फिजिकल अब्यूज़ के साथ साथ वर्बल अब्यूज़, किसी को आप गाली गलौज कर रहे हो, इमोशनल अब्यूज़, आप किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उनको मानसिक अगर कहे कि प्रताड़ना दे रहे हैं, इकोनॉमिक अब्यूज़ जो उनकी बेसिक नेसेसिटी के लिए उनको पैसे चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या सेक्शुअल अब्यूज़ मैं कह लूँ, इन सब तरह के अब्यूज़ जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस में जो अब्यूज़ है उसमें कवर है। कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं जो इस एक्ट के तहत आपको मिल सकती हैं। अब आपने अगर सपोज करते हैं कि शिकायत डोमेस्टिक वायलेंस की फाइल की कोर्ट में, या फिर किसी और पुलिस स्टेशन द्वारा फाइल की, या प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा फाइल की, तो अब आपको क्या क्या रेमेडीज़ जो हैं वो इस एक्ट के तहत मिल सकती हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑर्डर। सपोज़ आपका जो मेल पार्टनर है, या मैं कहूँ कि जो मेल मेंबर है फैमिली का, वो किसी महिला पर प्रताड़ना करता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ होती है, मारपीट होती है, तो ऐसे में कोर्ट आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट कर सकता है, जहाँ पर आपको जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी उस आदमी को जो है, अगर बाई चांस वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की एक्टिविटी, कोई फिजिकल वायलेंस आप पे करते हैं, तो आप जो है वो जो आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे कोर्ट द्वारा, उनको ये ऑर्डर चला जाएगा कि अगर ऐसा कोई भी एक्ट होता है तो आप इमीडिएटली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे में अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर उस
पर्सन द्वारा वायलेट भी होता है, जो मेल मेंबर है, तो उनको जेल तक हो सकती है। सेकंड जो आपको ऑर्डर मिल सकता है, दैट इज रेजिडेंस ऑर्डर फॉर रिजाइडिंग एट मैट्रिमोनियल हाउस। बहुत बार महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है, यानी कि उनके जो ससुराल है, मैट्रिमोनियल होम है, वहाँ से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम जहाँ जाओ अब, या तो अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाइए। तो इस एक्ट में रेजिडेंस ऑर्डर का भी जो है प्रोविजन है, यानी कि आप अपने मैट्रिमोनियल होम में रह सकती हैं अगर आपको कोर्ट जो है वो रेजिडेंस ऑर्डर प्रोवाइड कर दे। तो देन जो ऑर्डर प्रोवाइड किया जा सकता है वो है मॉनेटरी ऑर्डर, विच इंक्लूड्स मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर चिल्ड्रन। तो जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए जो खर्चा आपको चाहिए या आपके बच्चों को चाहिए, स्कूल की फीस वगैरह, अगर आपका हस्बैंड जो है वो आपको पे नहीं करता है, अगर का मेल मेंबर अर्निंग मेल मेंबर है लेकिन वो पे नहीं करता है, तो ऐसे में कोर्ट आपको मेंटेनेंस ऑर्डर भी दे सकती है। देन आपको टेम्पररी कस्टडी ऑफ चाइल्ड का प्रोविजन है इस एक्ट में, और उसके बाद कॉम्पनसेशन का, जो आपके साथ सम्पोज करते हैं इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, आपको कोर्ट में प्रोसीड करना पड़ा, उसके बाद आपके साथ बहुत सारा आपको मेंटली बहुत लेवल मेंटल लेवल पे बहुत प्रताड़ना की गई, इसके लिए आपको कॉम्पनसेशन का भी प्रोविजन इस एक्ट में है। अब मैंने एक टर्म यूज़ की थी, वो थी प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं? बेसिकली इस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रोविजन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करती है, जो कि आपको डोमेस्टिक वॉयलेंस कंप्लेन करने में हेल्प करते हैं। अंडर द डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफिसर हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द अग्रीव्ड वुमेन इन फाइलिंग द केस अगेंस्ट हर हस्बैंड और अगेंस्ट एनी मेल एडल्ट पर्सन हु हैज़ कमिटेड डोमेस्टिक वायलेंस एंड हु इज़ इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द पिटिशनर। अब आपके साथ किसी भी मेल मेंबर ने कोई प्रताड़ना की है, तो ऐसे में आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसको कॉन्टेक्ट करके आप अपनी जो कंप्लेंट है वो कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफिसर फैसिलिटेट द वेमेन टू अप्रोच द कोर्ट बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड एंड गेट अप्रोप्रिएट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट कंसर्न। फर्दर दे एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वेन एवर नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ द पुलिस। तो आपकी कंप्लेंट, आपकी शिकायत कोर्ट तक लेके जाने से लेके आपका जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया है आपके फेवर में, उसको एग्जीक्यूट कराने तक की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप किस तरह से इस कंप्लेंट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं? तो ये बोथ एक सिविल और एक क्रिमिनल, जो कहें कि मिक्सचर है ये कंप्लेंट, ना ही प्योर क्रिमिनल कंप्लेंट है ये, ना ही कहूँ तो प्योर सिविल केस है ये, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आपको इसको या तो आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट जो हैं, आपके नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, आप उनके पास जाके अप्रोच कर सकते हैं और ये कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। दूसरा जो वे है, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, थाने में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, या जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेक्शन अफसर है आप उनके पास जाके जो है हेल्प मांग सकते हैं। ये आपको पूरा जो प्रक्रिया है, यानी कि आपको कंप्लेंट शिकायत लिखने से लेके शिकायत दर्ज करना, उसके बाद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया हुआ इम्प्लीमेंट करना, उस सब प्रक्रिया में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके सवाल हो, कोई भी आपकी सजेशन हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा। थैंक यू सो मच।